धनबाद नगर निगम ने बिना सूचना दिए हुए ही 132 सफाई कर्मियों को कार्यमुक्त कर दिया, जिससे वह सभी कर्मी भूखमरी के कगार पर पहुंच गए। जैसे ही ये कर्मी हीरपुर स्थित कॉम्पैक्टर स्टेशन पहुंचे, उन्हें आदेश दिया गया कि वार्ड संख्या 20 से 30 में कार्यरत 132 कर्मियों को बिना नोटिस दिए कार्यमुक्त कर दिया गया है, जिसके बाद सभी सफाई कर्मी आक्रोशित होकर नगर निगम कार्यालय का घेराव किए। कर्मियों की माने तो नगर निगम कमीशन खाकर प्राइवेट कंपनी रैम की इनवायरो इंजीनियर्स अब शहर के कचड़े उठाएंगे और वो भी अपने तरीके से सफाई कर्मी रखेंगे, जिससे पुराने सफाई कर्मी जो नगर निगम के लिए डेली वेजेस में कार्यरत थे, उनके पेट पर नगर निगम ने लात मार दी है। हम लोग का काम चाहिए भैया, हम लोग काम से अचानक बैठा दिए हैं। हम लोग 10 साल से काम कर चुके हैं, अचानक हम लोग को हटा दिए। हम लोग रोड में आ जाएंगे तो हम लोग का खाएंगे, बाल बच्चा, छोटा छोटा बच्चा। अच्छा, कोई ऐसा कारण रहते हम लोग हटाते थोड़ा अच्छा भी लगते। अब काम धंधा से चुप हम लोग बैठ गए हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग काम से 10 साल तक लग हट लिए, 4-5 साल ऐसे किए हैं, तो अभी 5-6 साल कर लिए हैं। अभी अचानक हम लोग को बैठा दिए भैया तो हम लोग रोड में आ जाएंगे। सफाई कर्मी के हटाने से नगर निगम के सभी 55 वार्डों के सफाई कर्मी अपने सहयोगियों के पक्ष में आकर काम बाधित कर दिए, जिससे पूरे शहर में आज सफाई बंद रही। आज अचानक नगर निगम द्वारा उन्हें बिना किसी नोटिस के, बिना किसी जानकारी के उन्हें काम पर बैठा दिया गया। अब बताइए, ये गरीब आदमी अगर काम से बैठ जाएंगे तो इनका बाल बच्चे का भविष्य क्या होगा? कल ये भूख के कागार पर पहुँच जाएंगे, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इन 11 वार्ड क्रमशः वार्ड 20, 30 से कचरा उठाने में लगाए गए ट्रैक्टर, टीपर, मशीनरी सहित सभी 132 कर्मी इन 11 वार्डों में नाला सफाई, कचरा सफाई और झाड़ू दिया करते थे। आज से इन वार्ड में रैम की इनवायरो इंजीनियर्स अपने कर्मियों से काम करवाएंगे। नगर निगम के कमिश्नर का कहना है कि 1-2 दिन में कंपनी अपने कार्य में लग जाएगी, उनके सफाई कर्मी ही कार्यरत होंगे। संस्थान ने अब कार्य प्रारंभ कर दिया है, इसकी सूचना हमारे सभी कर्मियों को पूर्व से ही दी गई थी। स्वाभाविक है कि जब रैमकिन संस्थान अपने स्तर से कार्य करेगा तो पूर्व में कार्यरत जो डेली वेज के लोग हैं उनका समायोजन जो है रैमकिन संस्थान में होना है, तो ये कहना बिल्कुल असत्य है कि उनको हटा दिया गया है, बल्कि उन कर्मियों को जो कार्य निगम क्षेत्राधिकार में पड़ता है उससे जो बचे हैं उनको रैमकिन संस्थान को समायोजित करने का निर्देश दिया गया है। बहरहाल कार्यमुक्त सभी सफाई कर्मियों को बिना सूचना दिए हटाए जाने से उनके चेहरे पर निराशा देखने को मिला। अब देखना है कि नगर निगम इनके चेहरे पर वापस खुशी कब लाती है, या फिर मायूसी के अंधेरे में जीने को छोड़ देती है। धनबाद से न्यूज 11 के लिए कुंदन की रिपोर्ट।